स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी कि जो फार्माकोग्नोसी ब्रांच है इसके क्या क्या स्कोप हैं। तो अगर अपन ओवरऑल बात करें पूरी की पूरी फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर जो भी ब्रांचेस हैं उसके अंदर फार्माकोग्नोसी का कोई ना कोई रोल है। तो फार्माकोग्नोसी हैज अ वाइड एंड ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस, सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यानी कि जो फार्माकोग्नोसी है वो कि एक फार्मेसी की ब्रांच है जैसे कि दूसरी ब्रांचेज हैं, और उसके साथ कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्टेड हैं। और दूसरे स्कोप्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फार्माकोग्नोसी है सबसे इंटरकनेक्टेड है सारी की सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कि फार्माकोलॉजी में अगर आपको फार्माकोलॉजी लेक्शन देखना है तो उसके लिए आपको प्लांट चाहिएगा। बायोकेमिस्ट्री देखनी है तो आपको प्लांट या फिर एनिमल या फिर अगेन कोई क्रूड सब्सटेंस चाहिएगा। बॉटनी, क्वालिटी कंट्रोल, फिजियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फॉर फार्मास्यूटिकल, अगर आपको फॉर्मुलेशन भी बना रहे हो और उसके अंदर आपने कोई एपीआई डाल रहे हो तो इट मस्ट बी सिमिलर और इट मे बी अ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी की अगर अपन बात करें तो देयर मेनी स्कोप्स, अपन वन टू वन डिस्कस करेंगे सारा का सारा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की। यानी कि अगर अपन को फार्माकोग्नोसी के बारे में नॉलेज है तो इसके अंदर कल्टीवेशन एंड कलेक्शन भी अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उससे जो चीज़ें हैं उसको अपन पहले नॉर्मल से ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर कल्टीवेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो अगर आपको फार्माकोग्नोसी किसी की पता है, किसी प्लांट के बारे में आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में उगता है, तो अगर आप उसका प्रॉपर कल्टीवेशन करो तो उसके अंदर जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो अपन एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं उसकी अपन क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे क्लोव है, क्लोव के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है यूजिनॉल, मोस्टली जो एनाल्जेसिक के रूप में यूज करते हैं अपन, उसकी अपन जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं अगर अपन उसको प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट करें। और कल्टीवेशन या इस तरीके के जो स्टडीज हैं वो अपन फार्माकोग्नोसी से पता कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सेना, इट इज अ परगेटिव, इसके अंदर जो सेनोसाइड है उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसको भी अपन ज्यादा मात्रा में पैदा कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर कल्टीवेशन रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड गिव फाइनेंशियल बेनिफिट। लाइक जैसे कि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि अपन इंडिया में हैं जो कि ग्रोथ नहीं हो रहे हैं या कम क्वांटिटी में हो रहे हैं, तो उसको अपने को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अगर अपने को उसकी फार्माकोग्नोसी पता हो, उसकी इंटरनल सिस्टम पता हो कि ये कौन से इन्वायरमेंट में कल्टीवेट किए जाते हैं, किस तरीके से इसको कल्टीवेट किया जाएगा टिश्यू कल्चर की हेल्प से, तो वो चीज़ अपन इंडिया में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट जो इकोनॉमी हो रही है जिससे अपने को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अपने देश में ही उगनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि टोलो बाल्सम है, बेंजोइन है, स्टोरेक्स है, ये सारी की सारी मेडिसिन है जो अपन इंपोर्ट करते हैं, इनको अगर अपन कल्टीवेट करना शुरू करते हैं तो जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे टोनू है वो कफ सिरप के रूप में काम आता है, बेंजोइन है स्किन इन्फ्लामेशन में काम आता है, और स्टोरेक्स है एक मल्टीपल सिस्टम्स में काम आता है, कफ में भी आता है, स्टमक पेन में भी आता है और कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। अब अगर अपन बात करें आगे नेक्स्ट की, एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, यानी कि जो फार्माकोग्नोसी है उसके अंदर सपोज आपको कोई प्लांट है, आपको ये पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है या किसी ना किसी चीज को ट्रीट करने के लिए अपन लेते हैं, तो उसका बायोमोलिक्यूल कौन सा है, कितना प्योर है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, वो भी अपन पता कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई प्लांट है उसका आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया, एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद आपकी जो भी क्रूड ड्रग है उसको आपने आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद आपने उसका बायो एसे किया। बायो एसे यानी कि इट इज एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस बाय इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग सेल और टिश्यूज। यानी कि जो भी कंटेंट आपके निकल रहा है, जो भी आपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो आइसोलेट किया है उसके आप पोटेंशियल देख सकते हो वो है क्या, किस तरीके से उसका एक्शन है वो अपन पता लगा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी मेथड से अपन इस चीज़ को इवेल्यूएट करते हैं इसकी प्योरिटी को भी, जैसे कि HPLC है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इन सब से। जैसे कि सपोज कोई एग्जांपल है यहाँ पे एल्किलॉइड, तो प्लांट है इसका एक्सट्रैक्ट किया, उसका क्रूड ड्रग है उसका आइसोलेशन किया, एनालाइज किया और उसका एट दी एंड बायो एसे किया। रिसर्च टूल्स एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो फार्माकोग्नोसी है या जो प्लांट की अगर अपने को अच्छी स्टडी है, अगर नॉलेज है, तो अपन उसके न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स या डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अपने को ये पता है कि जो ओपियम प्लांट है उसके अंदर एक मॉर्फिन नाम का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि पेन रिलीविंग के अंदर एक पोटेंट ड्रग के रूप में काम आता है, तो इसको अगर अपन ने आइसोलेट कर लिया, इट इज अ केमिकल फॉर्म। अब अपने को ये पता है कि जो मॉर्फिन है वो एक ऐसा केमिकल मॉलिटी है जो कि पेन रिड्यूस करने में काम आता है, तो वैसे की वैसी मॉलिक्यूल्स अपन लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि फर्दर अपने लिए बेनिफिशियल होगी फार्मा लाइफ के अंदर। तो यानी कि जो अपने को फार्माकोग्नोसी है वो मेन कंस्टिट्यूएंट भी बताता है, उसकी स्ट्रक्चर बनाने में भी अपने को हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ जो पुराने ग्रंथ थे उसमें ये जो लिखा था कि ये वाली मेडिसिन इस बीमारी के इलाज में काम आती है, तो जब अपन उसको आइसोलेट करेंगे
तो नो डाउट कॉग्नोसी अपने को कम क्वांटिटी देती है, बट अपने को ये एस्टिमेशन करने में हेल्प कर रही है कि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होगी या इस तरीके का अगर आप डेवलप कर लो, सिंथेसाइज कर लो, तो ये ड्रग सेम यही एक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। असेंशियल इंटरमीडिएट फॉर फाइनल सिंथेसिस ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। काफी टाइम ऐसा होता है कि जो आपको प्लांट्स है वो आपको प्रीकर्सर देते हैं या फिर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल देते हैं, यानी कि आप कोई इसी चीज को आइसोलेट करोगे तो वो आइसोलेटेड प्रोडक्ट है किसी दूसरी चीज के सिंथेसिस में आगे काम आ रहा है। जैसे कि डायस्कोरिया स्पीसीज है, स्टिटोडल सेपोनिन्स हैं, इनका जो प्रीकर्सर है जैसे कि डायस्कोरिया का डायसोजेनिन है, ये स्टीरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि ये प्रीकर्सर आपने प्लांट से ले लिया और इसकी फर्दर आगे की प्रोसेसिंग है जो आपने लैब में सिंथेसाइज करके बना ली। तो फार्माकोग्नोसी का यहाँ पर भी एक स्कोप हो गया कि आपको जो रॉ है वो अगेन प्लांट से या फिर नेचुरल ओरिजिन से मिल रहा है। और जैसे स्टीरॉयडल ड्रग लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रोसेक्स हार्मोन्स हैं, इन सबके सिंथेसिस में डाइसोजेनिन अ नेचुरल फ्रूट ड्रग हेल्प करता है। तो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक्स एंड स्टूमुलेंट्स। काफ़ी सारी ऐसे प्लांट्स हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर जो कि प्रीवियस जो किताबें हैं उसमें ये दिखा रखे थे कि ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो एक तरीके की टॉनिक हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के काम आती है, आपकी बॉडी में जो विटामिन या नेचुरल सब्सटेंस कम हैं उनको पूरा करती है। तो एक तरीके से जो भी फार्माकोग्निकल प्लांट्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, वो इम्यूनिटी इंक्रीज करने में काम आ रही हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी वीक कर देती हैं, आपको पेन उन डिजीज में बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो भी पेशेंट को दिलाती है। तो जो जनरल टॉनिक होते हैं जो अपने को फार्माकोग्नोसिकल यानी कि क्रूड प्लांट से क्रूड सब्सटेंस से मिलते हैं, दे हेल्प टू इंक्रीज इम्यूनिटी एंड प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ टू पेशेंट इन डिजीज लाइक एड्स, कैंसर एंड लीवर डिसऑर्डर्स। यानी कि काफ़ी सारी जो डिजीज हैं जो कि क्योरेबल नहीं है राइट टाइम या फिर इनके ट्रीटमेंट बहुत लंबे हैं, उनमें जो पेशेंट सफर करता है पेन से या फिर मेंटली, उनको काफ़ी रिलीफ करने के लिए ये टॉनिक्स दिए जाते हैं। मोस्टली जो टॉनिक्स हैं उसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, तुलसी ये सब रहते हैं जो कि एनर्जी बूस्टर रहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर रहते हैं और साथ ही साथ बॉडी की जो नीड है दूसरे जो विटामिन हैं उनकी भी पूर्ति करते हैं। फिर बात करते हैं हर्बल प्रिपरेशन। काफ़ी सारी जो फार्माकोग्नोसिकल प्लांट हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, उनकी भी प्रिपरेशन आती हैं जो काफ़ी सारे डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं, और स्पेशली जो हिपेटिक टॉक्सिसिटी के लिए आते हैं यानी कि जो लीवर को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं, वो सारे के सारे अपने को हर्बल प्रिपरेशंस में ही मिलेंगे। जैसे कि वसाका है, अधेटोडा वसाका इसका बॉटनिकल नेम है, इट इज़ यूज इन ब्रोंकियल डायलेटर, ब्रोंकियल डायलेटर में काम आता है, अस्थमा में काम आता है। पूर्णनवा की बात करें, बोरहेविया डिफ्यूजा, इट इज़ एंटी हिपेटोटॉक्सिक एनाबॉलिक। हिपेटोटॉक्सिक एनाबॉलिक राइट नाउ सिंथेसाइज नहीं हो पाए, केवल और केवल अपने को नेचुरल सब्सटेंस से ही मिलता है, जिसमें एक एग्जाम्पल है पूर्णनवा, दूसरा है कालमेघ, एड्रोग्राफिक्स पेनिकुलेटा एंड फोर्थ वन इज ब्राह्मी, जो कि मेमोरी लॉस में या फिर मेमोरी इंप्रूव करने के लिए काम आता है। बैकोपा मोनिरा, यानी कि जो भी फार्माकोग्नोसी के अधिकांश जो क्रूड ड्रग्स हैं वो सारी की सारी इम्यूनिटी या फिर जो एनर्जी बूस्टर हैं, मेमोरी एनहेंसर हैं या अपनी बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनको वेल वर्क करने के लिए मोटिवेट करती है। फिर बात करते हैं अपन 7 पॉइंट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्ट एज अ मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। यानी कि जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे मॉर्फिन का, अपने को ये पता है कि अपन इसको ओपियम से सिंथेसाइज किया था और इट इज़ अ पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग, बट प्लांट से अगर वो कम क्वांटिटी में आ रहे हैं बट अपने को ये तो पता चल गया कि हाँ इट इज़ अ मॉडल, मॉर्फिन जैसी कोई स्ट्रक्चर होगी वो एक पोटेंट एनाल्जेसिक के रूप में काम करेगी, तो अपन क्या करेंगे वैसे की वैसे स्ट्रक्चर को आइदर प्लांट से उसका प्रीकर्सर या फिर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल लेते हुए उसे अपन लैब में सिंथेसाइज करेंगे। और जो भी मॉर्फिन के अंदर ड्रॉबैक्स थे, भाई डायनामिक नहीं थी, उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट थे या फिर ज़्यादा टॉक्सिक थी, उन सबको भी अपन रिकवर कर सकते हैं, बट जो बेस मॉलिक्यूल है वो अपने को किसने दिया, फार्माकोग्नोसी ने, नेचुरल क्रूड प्रोडक्ट्स ने। फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ परफ्यूम्स, काफी सारे जो फार्माकोग्नोसिक प्लांट है, ग्रुप ड्रग्स हैं, वो फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी काम आते हैं, परफ्यूम्स के रूप में भी काम आते हैं, क्योंकि नेचुरल है तो इनकी जो प्रिजर्वेशन है वो भी अच्छी होती है, साथ ही साथ इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि सिंथेसाइज नहीं है तो इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। और जैसे अपन बात करते हैं जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, ये लखनऊ के अंदर है, ये इंस्टीट्यूट है जो कि इन फ्लेवरिंग एजेंट्स का, परफ्यूमिंग एजेंट्स का जो एक्सट्रैक्शन है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, कर रही है। जैसे अपन बात करें जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च अपने को पोटेटो से मिलता है, मेस से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, इससे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट अपन ले सकते हैं, नेचुरल है तो अगेन कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। काफ़ी सारे फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूमिंग एजेंट जैसे कि वोलेटाइल ऑयल है, रोज ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, टर्पेंटाइन, ये सारे के सारे अपने को क्रूड सिस्टम से मिलते हैं, और अगर अपने को फार्माकोग्नोसी की नॉलेज है तो अपने को मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन या फिर आइसोलेशन या फिर स्टोरेज भी आसानी से पता रहेगा।
मेंथा ऑयल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेंथॉल, इसमें जो मेंथा ऑयल है या जो अपन फ्लेवरिंग एजेंट्स या परफ्यूमिंग एजेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी आगे किसी ना किसी चीज़ को प्रोडक्शन में काम दे सकती है। जैसे कि मेंथॉल ऑयल है वो मेंथॉल के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लेमन ग्रास ऑयल का जो ऑयल है वो विटामिन ए होता है एक तरीके से, कि विटामिन ए सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, या फिर लेमन ग्रास ऑयल के अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बायोसिंथेसिस या बायोजेनिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि प्लांट है तो प्लांट के अंदर भी ऑब्वियसली कोई ना कोई मेटाबोलाइट्स बनते हैं और वो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, तो जो प्लांट है जो ग्रोथ करेगा तो उसके अंदर जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये तो प्लांट की खुद की ग्रोथ के लिए काम आ रहे हैं, जैसे कि वो डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व हैं। बट जो प्लांट के सेकेंडरी पाथवे मेटाबोलाइट्स हैं लाइक एल्कलॉइड, फिनोलिक, स्ट्रॉस, स्टेरॉयडल एसेंशियल ऑयल, लिग्निन्स, ये प्लांट के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाद बनते हैं और बेसिकली प्लांट अपने डिफेंस पर्पस के लिए इनको बनाता है। बट अपने लिए क्या एडवांटेजेस हैं कि अपनी जो भी एल्कलॉइड, फिनोलिक, स्टेरॉल, एसेंशियल ऑयल्स, लिग्निन्स, ये ग्लाइकोसाइड जो भी प्लांट बना रहा है एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सारे के सारे कोई ना कोई फार्माकोलॉजी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी से अपन प्रीकर्सर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने को ये पता है कि प्लांट है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में ये पर्टिकुलर प्लांट ज़्यादा क्वांटिटी में एल्कलॉइड निकालता है, तो अपन किसी ना किसी मॉडिफिकेशन के अंदर उस प्रीकर्सर को स्टिमुलेट कर सकते हैं और वो एक तरीके का जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ड्रग या फिर जो आइसोलेटेड प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा। तो अगर अपने को उसके बायोजेनेटिक पाथवे पता चल जाए, अपन उनको इन्वेस्टिगेट कर लें, तो पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाना भी आसान हो जाएगा। बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर की। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अपने को पता है कि बहुत ही अच्छा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, बहुत ही अच्छी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देता है, बट क्वांटिटी बहुत ही कम है, या फिर एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में वो नहीं उग पाता, या इंडिया में ये जगह से नहीं उगता, तो बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग अपन उसकी हाइब्रिड है, उसकी जो सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, और टिश्यू कल्चर के थ्रू अपन उसे किसी दूसरी जगह पे भी उगा सकते हैं। टिश्यू कल्चर में बेसिकली है जो कि प्लांट है उसको आर्टिफिशियली ग्रोथ करवाया जाता है एक मीडियम के अंदर और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इससे क्या एडवांटेज मिलता है कि कोई चीज़ कहीं उग नहीं पा रही है या पर्टिकुलर अपने को उसके अंदर कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट में मॉडिफिकेशन करना है, उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके कोई दूसरे मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो वो सारी की सारी अपन चीज़ें कर सकते हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग द सेकेंडरी मेटाबोलिक प्रोडक्शन टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। साथ ही साथ जब अपन इतना टिश्यू कल्चर या फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रोथ करवाते हैं, तो अपने को ये पता है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो भी अपने को स्पेसिफाइड चाहिए अगर ये मीडियम अपने को प्रोवाइड इसको करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल मीडियम अपने द्वारा बनाया गया मीडियम है तो अपन वही न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे, तो जो परसेंट यील्ड है जो अपने को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए वो भी बढ़ जाएगा, उसकी जो उपज है वो भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कोई प्लांट का प्लाट लिया, उसकी कैलस ग्रोथ करी आर्टिफिशियल मीडियम में, उसमें शूट्स डेवलपमेंट हुए और फिर उसको कल्टीवेट कर दिया या फिर उसको है जो कि इम्प्लांट कर दिया। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।